हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक वसुधा भाग 6 खोलकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पाठ 18 मुहावरे तथा लोकोक्तियां निकाल लीजिए। बच्चों, अपनी फर्स्ट टर्म में हम केवल मुहावरों पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, मुहावरे शुरू करने से पहले आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपनी बात को दो तरीकों से कह सकते हैं, एक साधारण और दूसरा विशेष। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है। यह वाक्य साधारण तरीके से बोला गया है। अब इस वाक्य को यदि यूं बोला जाए कि राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है, तो यहाँ लाल पीला होना विशेष प्रकार का कथन है। तो बच्चों समझे, जो कथन विशेष अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। इनसे भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। और एक बात प्यारे बच्चों, जब मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में होता है तो उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसे समझने के लिए एक और मुहावरा पढ़ते हैं, आकाश पाताल एक करना, यानी बहुत अधिक प्रयत्न करना। प्रयत्न यानी प्रयास, कोशिश। वाक्य देखे, कक्षा में प्रथम आने के लिए दिव्या ने आकाश पाताल एक कर दिया। बच्चों, यहाँ मुहावरे में लिखा हुआ है आकाश पाताल एक करना, और जब हमने मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया तो वाक्य बना, कक्षा में प्रथम आने के लिए दिव्या ने आकाश पाताल एक कर दिया। बच्चों, इस तरह मुहावरों का प्रयोग हमेशा प्रसंग अथवा परिस्थिति के अनुसार ही किया जाता है, जिससे उसकी विशेषता उभर कर सामने आती है। आइए अब मुहावरे की परिभाषा पढ़ते हैं। जो वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 110 पर मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य दिए गए हैं। इन पर हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। आप भी मेरे साथ इनकी रीडिंग कीजिए। पहला मुहावरा, अगर मगर करना। अर्थ, टाल मटोल करना या बहाने बनाना। वाक्य, रुपयों की बात याद दिलाते ही योगेश अगर मगर करने लगा, यानी वह बहाने बनाने लगा। अगला नंबर 2, अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत अधिक थक जाना। वाक्य, सारा दिन काम करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अगला मुहावरा, अंगूठा दिखाना। साफ इनकार करना, ई को अंग, क को आर, इनकार। वाक्य, आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगते ही रमेश ने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी मदद मांगते ही रमेश ने मुझे साफ इनकार कर दिया। चलिए अगला मुहावरा पढ़ते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ पूरा करना। स्वार्थ मीन्स मतलब, आधा स वकुआ थके ऊपर रेव, स्वार्थ। वाक्य, आज सभी लोग केवल अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, यानी वे केवल अपना मतलब निकालने में लगे हैं। नंबर 5, अंधेरे घर का उजाला। अर्थ, एकमात्र सहारा, यानी अकेला सहारा। एक मकुआत्र मात्र, एकमात्र। वाक्य, ऋतु अपने माता पिता के अंधेरे घर का उजाला है, यानी ऋतु अपने माता पिता का अकेला सहारा है। नंबर 6, आसमान सिर पर उठाना, यानी बहुत अधिक शोर करना। वाक्य, चॉकलेट न मिलने पर सोनू ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। चॉकलेट की स्पेलिंग देखिए, चको आ आगत क लकोएट चॉकलेट। चलिए अगला मुहावरा पढ़ते हैं, आंखें खुलना, यानी होश आना। वाक्य,
ठोकर खाने से पहले ही आंखें खुल जाएं तो इसी में सबकी भलाई है। अगला, आकाश पाताल का अंतर होना, यानी बहुत अधिक अंतर होना। वाक्य विशाल और आकाश गहरे मित्र हैं, यानी पक्के दोस्त हैं, परंतु दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। स्वभाव मीन्स नेचर, आधा स व भकुआव स्वभाव। अगला मुहावरा, आपे से बाहर होना, आपे यानी कंट्रोल से बाहर होना। अर्थ, बहुत अधिक क्रोधित होना, क्रोधित मीन्स गुस्सा होना। क के पैर में पदेन ओ धक छोटी त क्रोधित। वाक्य, अतुल की शैतानियों को देखकर उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। अगला मुहावरा, आंखों में खटकना यानी बुरा लगना। चारू के चमकीले भड़कीले कपड़े सबकी आंखों में खटकते हैं, यानी सबको बुरे लगते हैं। अगला, ईंट से ईंट बजाना यानी पूरी तरह से नष्ट कर देना, नष्ट यानी बर्बाद कर देना। न आधा श षटकोण ट नष्ट। भारतीय सेना अपने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजाने में सक्षम है, सक्षम यानी योग्य है। अगला मुहावरा, उंगली उठाना यानी किसी पर दोष लगाना, दोष यानी ब्लेम लगाना। दको श षटकोण दोष। वाक्य, राधिका पर उंगली उठाने से पहले तुम्हें उसके विरुद्ध सबूत जुटाने चाहिए, विरुद्ध यानी अगेंस्ट। व को छोटी ई र को छोटा उ आधा द ध विरुद्ध। अगला, उंगली पर नचाना, अर्थ पूरी तरह वश में करना, वश यानी कंट्रोल में करना। वाक्य, अमित को अपनी उंगली पर नचाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगला, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। म को बड़ाऊ ख के ऊपर रे मूर्ख। अनीता को उल्लू बनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। म को छोटाऊ आधे श को छोटी कल मुश्किल। अगला मुहावरा, 19-20 का अंतर होना यानी बहुत कम अंतर होना। सुमित और सुनील के कद में 19-20 का अंतर है, कद यानी हाइट में। अगला, एक और एक 11 होना यानी संगठन में शक्ति है, संगठन यानी एकता में शक्ति है। वाक्य, अपने शत्रु का सामना करने के लिए हम सबको मिलकर एक और एक 11 बनना होगा। अगला, एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थ भरसक प्रयास करना, भरसक यानी पूरी कोशिश करना। वाक्य, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनंत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लक्ष्य यानी एम, ल आधक्ष य लक्ष्य। अगला, कमर टूटना यानी हिम्मत हारना, अक छोटी ई आधा म मत हिम्मत। वाक्य, गरीबी तथा ऋण के बोझ ने किसानों की कमर तोड़ दी, ऋण यानी कर्ज। चलिए अगला मुहावरा पढ़ते हैं, काठ का उल्लू होना यानी एकदम मूर्ख होना। वाक्य, सौरभ से कोई भी काम कहना बेकार है क्योंकि वह काठ का उल्लू है यानी वो एकदम मूर्ख है। अगला, खून खौलना यानी बहुत क्रोध आना, बहुत गुस्सा आना। वाक्य, आजकल अखबार में बढ़ते अपराध की खबरें पढ़कर मेरा खून खौलने लगता है, अपराध यानी क्राइम। अगला, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को दोहराते रहना। वाक्य, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर देना चाहिए। पेट में दाढ़ी होना, बच्चों दाढ़ी तो मुंह पर होती है, पेट में दाढ़ी होना यह एक मुहावरा है जो विशेष अर्थ दे रहा है, जिसका अर्थ है बहुत चतुर होना, चतुर यानी चालाक। वाक्य, राहुल को भोला समझने की भूल न करना, वह अपने पेट में दाढ़ी रखता है। अगला, मुंह उतरना
यानी चेहरा मुरझा जाना यानी उदास होना। वाक्य, अपने जन्मदिन के दिन परीक्षा की तिथि देखकर सागर का मुंह उतर गया। तिथि यानी डेट। 16:15 आने सही यानी पूरी तरह ठीक। वाक्य, दादी के नुस्खे आज भी 16:15 आने सही होते हैं। बच्चों, नुस्खे का अर्थ है घरेलू इलाज। अगला, टांग अड़ाना, दूसरों के काम में दखल देना, दखल यानी इंटरफेयर करना। वाक्य, रोहित को दूसरों की बातों में टांग अड़ाने की बुरी आदत है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने 1 से लेकर 25 तक के मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्यों की रीडिंग की। अगली कक्षा में हम पेज नंबर 112 पर दिए कुछ अन्य मुहावरों के अर्थ जानकर उनसे वाक्य बनाना सीखेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे।